नमस्ते बच्चों, लास्ट टाइम हिंदी काव्य खंड पाठचार यानी चौथी कविता हमने पढ़ी थी, जिसका नाम आत्मकथ्य है, जो कि हम इसका अनुवाद भी कर चुके हैं और हमारा परिचय जयशंकर प्रसाद जी का हो चुका है। साथ ही संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी हमने कर लिए हैं। आज हम आत्मकथ्य के प्रश्न अभ्यास से संबंधित जो प्रश्न दिए हैं वह प्रश्न करेंगे। तो आप सब अपनी कॉपियों में इस प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? उत्तर, कवि जयशंकर प्रसाद आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहते हैं क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसा नहीं है जिसे दूसरों को बताया जाए। वे स्वयं को सामान्य व्यक्ति मानते हैं जिसने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया है। वे आत्मकथा लिखकर अपना उपहास नहीं करना चाहते हैं। कवि यह भी मानते हैं कि मेरी पीड़ाएं अब शांत हो गई हैं। वे उनको लिखकर अपनी वेदना बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इन्हीं कारणों से वे आत्मकथा लिखने से बचना चाहते हैं। प्रश्न नंबर दो, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? उत्तर, कवि का जीवन कष्टों और संकटों से घिरा रहा है। उसने लगातार अपने दुखों को सहन किया है। उन दुखों की जो पीड़ा थी अब वह शांत हो गई है, इसलिए वे आत्मकथा लिखने का समय नहीं मानते हैं। वे सोचते हैं कि यदि मैं आत्मकथा लिखूंगा तो मेरे दुखों की पीड़ा जाग उठेगी, इसलिए वे कहते हैं कि अभी समय भी नहीं। उन्हें यह भी लगता है कि मैंने कोई उल्लेखनीय महान कार्य नहीं अभी नहीं किया है, इसलिए अभी आत्मकथा लिखने का समय नहीं आया है। प्रश्न नंबर तीन, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? उत्तर, अपने जीवन में प्रेयसी के साथ मधुर चांदनी रातों में बिताए गए पलों की स्मृति को कवि अपने हृदय में संजोए रखना चाहता है ताकि वह उन स्मृतियों में रमकर आनंद का अनुभव कर सकें। यदि वह इन स्मृतियों को आत्मकथा में लिख देगा तो वे स्मृतियाँ सार्वजनिक हो जाएंगी, वे उनकी व्यक्तिगत नहीं रहेंगी। कवि अतीत की सुखद स्मृतियों को अपने आने वाले जीवन का सहारा बनाना चाहते हैं। प्रश्न नंबर चार, भाव स्पष्ट कीजिए। क और ख दो भाव दिए हैं। पहला क है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कया कर जो भाग गया। जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता से ली गई इन पंक्तियों में कभी सुख न मिल पाने की पीड़ा को प्रकट किया है। वे कहते हैं कि जिस सुख को पाने के स्वप्नों को देखकर मैं जाग जाता था, वे सुख मुझे कहाँ मिल पाए। वे सुख तो मेरे आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गए। आशय यह है कि मैंने अपनी प्रेमिका पत्नी के साथ सुखद जीवन बिताने के जो स्वप्न देखे थे, वे प्रेमिका पत्नी की अकाल मृत्यु के कारण मुझे मिलते मिलते रह गए। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में भाव, कवि जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथी कविता से ली गई इन पंक्तियों में कहते हैं कि जिस प्रेमिका पत्नी के मदमस्त बना देने वाले लाल गालों की छाया में मैं सुख पा रहा था, उन्हीं गालों की मधुरता के सम्मोहन से भरी लाली से प्रेम भरी उषा अपने सौभाग्य की लालिमा सिंदूर लेती थी। प्रश्न नंबर पाँच, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि मधुर चांदनी रात में अपनी प्रेमिका के साथ बातचीत में जो सुख पाया था उसका वर्णन शब्दों से कर पाना संभव नहीं है। वह सुख तो अनूठा था, वह आनंदपूर्ण समय की कहानी बहुत पवित्र तथा मन को प्रसन्न करने वाली है, उसका तो अनुभव ही किया जा सकता है, बखान नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर छः, आत्मकथ्य कविता के काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, कवि जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता की भाषागत विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो आपको इसके अंतर्गत कुछ उदाहरण दिए गए हैं और बताया गया है कि वो उन उदाहरणों में क्या प्रमुख है। पहला उदाहरण है, इस
गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस कविता की भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता है जो कि इन उदाहरणों में है। इसी प्रकार इसकी इन जो पंक्ति में पढ़ूंगी, मधु गुनगुना कर कह रहा जाता कौन कहानी ये अपनी, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। ये जो उदाहरण है इसकी भाषा में प्रतीकात्मकता प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखिए, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, थकी सोई है मेरी मौन व्यथा मानवीकरण युक्त। अब इसके अंतर्गत वास्तव में पहले वाली जो पंक्ति है वो अनुप्रास अलंकार से युक्त है और सबसे बड़ी बात इन पंक्तियों में अलंकारिकता का प्रयोग हुआ है। अगला है जो मैं उदाहरण पढ़ूंगी, वो बिंबात्मकता के कारण कविता का भाव साकार हो उठे हैं। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। फिर अब जो पंक्तियां हैं उनमें संगीतात्मकता और गैयता है। यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखाऊं मैं। प्रश्न नंबर 7, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। उत्तर, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसकी न्यायिक अभिव्यक्ति कविता में हुई है। कवि ने अपनी रूपवती प्रेमिका पत्नी के साथ जीवन बिताने का जो सुखद स्वप्न देखा था वह पत्नी की मृत्यु के कारण पूरा न हो सका। कवि की प्रेयसी के लाल गाल इतने सुंदर थे कि प्रेम भरी उषा भी उसके गालों से लाली लेकर अपना सौभाग्य संभालती है। उसका रूप सौंदर्य सम्मोहित कर देने वाला था। उसी रूप सी के साथ सुखमय जीवन बिताने की कवि की कामना अधूरी ही रह गई। प्रश्न नंबर 8, अब यह जो प्रश्न नंबर 8 है वह रचना और अभिव्यक्ति का है। इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो वह निम्न है। पहला पॉइंट है, प्रसाद जी का व्यक्तित्व गंभीर एवं दार्शनिक चिंतन प्रधान था, इसलिए उन्हें नष्ट होते इतिहास का बोध है। दूसरा पॉइंट, वे विनम्र स्वभाव के थे इसलिए वे स्वयं को सामान्य व्यक्ति कहते हैं जिसने कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। वे अपने जीवन की गागर को रीति मानते हैं। तीसरा पॉइंट, सरल तथा दिखावे से दूर रहने वाले प्रसाद जी को धोखे खाने पड़े किंतु धोखा देने वालों से भी उन्हें कोई शिकायत नहीं है। चौथा पॉइंट, उनमें प्रेम तथा सौंदर्य को परखने की क्षमता थी किंतु दुर्भाग्यवश वे इस सुख को प्राप्त करते करते वंचित रह गए। यह सुख उन्हें प्राप्त न हो सका। पांचवा पॉइंट, निष्ठावान व्यक्तित्व के धनी प्रसाद जी सुखद स्मृतियों की थाती को सजोए ही रखना चाहते हैं, वे उसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 9, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों? मैं उन महापुरुषों की आत्मकथा पढ़ना चाहूँगा जिन्होंने देश साहित्य व संस्कृति के उत्थान का सराहनीय कार्य किया हो, जिन्होंने स्वार्थ तथा लालच से दूर रहकर त्याग बलिदान तथा उपकार का रास्ता अपनाया हो। महात्मा गांधी की सत्य के प्रयाग, दयानंद सरस्वती की जीवन चरित्र, सुभाष चंद्र बोस के तरुण के स्वप्न, श्याम सुंदर दास की मेरी आत्मकहानी, गुलाब राय की मेरी असफलताएं, राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा, रामविलास शर्मा की अपनी धरती अपने लोग आदि आत्मकथाएं पढ़नी हैं। मैं इस प्रकार की आत्मकथाओं को इसलिए पढ़ना चाहूँगा क्योंकि इनसे जीवन को सच्चे मार्ग की प्रेरणा मिलेगी। मेरी दृष्टि में आत्मकथा से प्रेरित करने की क्षमता होना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 10, कोई भी आत्मकथा लिख सकता है, इसके लिए विशिष्ट या बड़ा होना जरूरी नहीं। हरियाणा राज्य के गुड़गांव में घरेलू सहायिका के रूप में काम करने वाली बेली हालदार की आत्मकथा आलो अधारी बहुतों के द्वारा सराही गई आत्मकथात्मक शैली में अपने बारे में कुछ लिखी है। इस प्रश्न का उत्तर बच्चे स्वयं करें, लेकिन उदाहरण स्वरूप इसमें एक नमूना प्रति मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मेरे पिताजी की आय बहुत अधिक न थी किंतु वे राष्ट्र तथा समाज का अहित करके या अनुचित साधनों का प्रयोग करके धन कमाना नहीं चाहते थे। उन्होंने मुझे
मोहल्ले के विद्यालय में प्रवेश दिलाया। विद्यालय के शिक्षक बहुत बड़े बहुत अच्छे थे। वे परिश्रम पूर्वक पढ़ाते थे, प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखते थे। वहाँ से कक्षा 5 की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए मुझे राजकीय स्कूल में दाखिल कर दिया गया। वहाँ का माहौल मुझे बहुत पसंद आया। प्रधानाचार्य जी अनुशासन पर बहुत ध्यान देते थे। विद्यालय के शिक्षक भी योग्य तथा परिश्रमी हैं। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के आयोजन भी होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए इनमें भाग लेना अनिवार्य है। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से मेरा विद्यालय बहुत अच्छा है। मैं अपने विद्यालय के पठन पाठन आदि से संतुष्ट हूँ। बच्चों, इसके आगे के पाठ्येतर सक्रियता व इसी पाठ के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर अब हम कल करेंगे।